जिनेन्द्र जय भोलेनाथ। दोस्तों आज बुधवार है और 3 तारीख है, वेनसडे 3 अगस्त। सीधा मैं आपको 7:30 बज गई है और 43 पॉइंट्स प्लस है SGX 7:30 AM। तो सीधा मैं आज बात करता हूँ क्योंकि मैंने टारगेट बहुत उमदा दे रखे हैं। मैंने बोला है कि इस फ्राइडे तक हम 16900 और 16800 के दर्शन करेंगे, कम से कम 900 के दर्शन करेंगे, ऐसा मैंने बोल रखा है। उसको मैं अभी भी वही चीज़ होल्ड कर रहा हूँ, जबकि आज मिड ऑफ़ द वीक हम पहुँच गए हैं। मिड ऑफ़ द वीक मतलब बुधवार आ गया, 2 दिन निकल चुके हैं, कहीं मार्केट का गिरने का कोई साइन नहीं है, बल्कि मार्केट रोज नए हायर क्लोज दे रहा है। कल भी नया क्लोज हायर क्लोज था और फिर भी मैं एक ही बात बोल रहा हूँ, 16900 से 16800 इसी वीक दिखना चाहिए फ्राइडे तक। इंटरेस्टिंग है बॉस, इंटरेस्टिंग है ये बंदा, भी इंटरेस्टिंग है, बातें भी इंटरेस्टिंग करता है और बहुत बार करके भी दिखाया। चलिए अब मैं समझाता हूँ आपको यहाँ गेम क्या चल रहा है। कल आपका डाउ जोन्स 450 पॉइंट से ज़्यादा गिरा, लेकिन हमारे मार्केट अभी भी SGX में प्लस दिखा रहा है। लेकिन आपने लास्ट के 22 मिनट कल देखे, 125 पॉइंट निफ्टी वहाँ से टूट गया जहाँ टॉप बनाया था 420 का फ्यूचर में, है ना। भले आपको क्लोजिंग कुछ भी दिखाया हो, लेकिन जो एक्चुअल था फैक्ट वो वही है। अब क्या होगा, अब यहाँ मामला क्या है मैं आपको समझाता हूँ। मामला ये है कि जब 15183 आया था, उसके बाद जब बढ़ना चालू हुआ तो हम लोग जो रिटेल पब्लिक है वो शॉर्टर बनती जा रही थी और FIs ने वहाँ से चुपचाप बाइंग स्टार्ट कर दी थी। अब FIs को वापस से माल बेचना है तो वहाँ, अब पिछले 2 दिनों से एक चीज़ नोट कर रहे हो, मार्केट नीचे नहीं जा रहा है, वो 200 के नीचे मंडे को एक सेकंड के लिए दिखाया था, वो जो भी लो बनाया था, सॉरी 220 का लो बनाया था, लेकिन वो रुका नहीं वहाँ पे, और उन्हें 192 का लो बनाया था फ्यूचर में और वहाँ से भाग गया। और कल भी हमने सुबह 241 का फ्यूचर में लो बनाया था, लेकिन फिर रुके नहीं। मार्केट ये दिखाना चाह रहा कि अब मैं बहुत ऊंची उड़ान उड़ने वाला हूँ, 18-19 वगैरह वगैरह, 17700-18000। लेकिन मैं बोलता हूँ मार्केट नहीं, मार्केट का दादाजी, पिताजी, परदादाजी भी आ जाए ना, तो 17500 के ऊपर 2 क्लोजिंग नहीं आ सकती, उसके पहले आपको 16500 आ जाएगा। 17500 के ऊपर 2 क्लोजिंग नहीं आ सकती और उसके पहले इसके बाप को भी, इसके दादा को भी, इसके नाना को भी, इसके चाचा को भी, इसके ताया को भी 16500 के नीचे जाना पड़ेगा। और ये मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है, यानी 1000 पॉइंट की बातें कर रहा हूँ। अब आप सोच रहे हो यार ये खाली बात कर रहा है, कहाँ मार्केट गिर रहा है, तो कल उसकी शुरुआत हो गई है जो शिफ्टिंग वो लोग चाहते हैं। देखिए क्या होता है, आपका माइंडसेट बाइंग में लाना ज़रूरी है। अगर मैं ऑपरेटर हूँ या मैं इस मार्केट की चाल को मैं चलाता हूँ, तो मुझे ऐसा माहौल क्रिएट करना पड़ेगा कि एवरी फॉल पे लोग बाई करने लग जाए, छोटी सी फॉल पे भी, और मेरा माल बाज़ार में खप जाए जो मैंने बहुत नीचे से लिया हुआ है, 15200, 15300, 15400, 15500 पे लिया हुआ है, वो मेरा माल 17200, 300, 400 पे बिके। तो उसके लिए मुझे बायर चाहिए, क्योंकि आप लोग भी उस समय सेलर थे जब मैं बायर था, समझ में आया, तब मैं 17000 की बात कर रहा था, आपको याद होगा, ठीक है, अकेला शख्स पूरी पृथ्वी पे, इंडिया की बात नहीं, पृथ्वी में कोई बात नहीं कर रहा था उस समय कि जुलाई में 17000 भी दिख जाएगा, ठीक है, ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, 17 जून को ही लो बना था, ठीक है। तो अब क्या करेगा मार्केट, आज डेफिनेटली आपको मैं एक रेड क्लोजिंग दिखाऊंगा और मेरा मानना है 166 भी आज ही दिखेगा और 450 भी दिख सकता ऊपर, लेकिन आज एक डेवास्टेटिंग फॉल आएगी। उसके कारण मैं बहुत इतना श्योर होकर क्यों बोल रहा हूँ, फर्स्ट हाफ या पहला 1-2 घंटा हो सकता है मार्केट बुल्स को बिलोंग करे,
ठीक है, लेकिन इतनी बड़ी फॉल आ जाएगी, 200 से 300 पॉइंट गिर सकता है मार्केट आज के हाई से, 300 भी मुझे पॉसिबल लगता है, क्योंकि कल जो शिफ्टिंग होनी थी वो डाटा में रिफ्लेक्ट हो गई है। जो रिटेलर्स सेल में थे इंडेक्स फ्यूचर में, वो कल इंडेक्स फ्यूचर में बाई में आ गए। जो रिटेलर कॉल को शॉर्ट करके बैठे थे वो कॉल बाइंग करने लग गए। जो रिटेलर्स पुट भर भर के रखे थे वो पुट कल अपने घटा दिए उन्होंने। इसके विपरीत जो एफआईस भर भर के इंडेक्स फ्यूचर में बाई थी, कल एक साथ अपनी 60% पोजीशन को हल्का कर डाला। 60% जितना उनके पास था उसमें से 60% माल बेच दिया उन्होंने। उन्होंने कल अपने कॉल थोड़े से और बढ़ाए, ये बात मैं मान सकता हूँ, लेकिन उसके अगेंस्ट में पुट उससे 3 गुना ज़्यादा बढ़ाए। जैसे अगर उन्होंने कॉल 10,000 क्वांटिटी बढ़ाई है तो पुट 30,000-40,000 क्वांटिटी बढ़ाई है। तो एफआईएस ने सिग्नल कल दे दिया कि मार्केट का राम राम होने वाला है, सूनर और लेटर, टुडे ओनली, ठीक है। और अब क्या होगा, जैसा आपको आदत डाल दी गई है, अब 100-150 पॉइंट गिरेगा तो आपको लगेगा ये अपॉर्चुनिटी है, गुड। लेकिन आप लोग दिमाग को तो यूज़ करते ना, क्योंकि आप सीखना तो चाहते नहीं। आपको मैं 1000 बार बोलता हूँ, क्लासेस लो, यू विल अंडरस्टैंड कि किस स्टेज पे मुझे बायर रहना चाहिए, किस स्टेज पे मुझे सेलर रहना चाहिए। ये सब मैं मेरी क्लास में सिखाता हूँ, बहुत कम फीस है अभी तो, 25,000 रखा हुआ 5 तारीख तक, लेकिन अब मैं देखूँगा, जैसे 15 स्टूडेंट आ जाएंगे मैं निकाल दूँगा वो ऑफर, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा उसको, है ना। तो आपको ज्वाइन करना है 9635476788 पे, अपना नाम, अपनी सिटी का नाम, अपनी एक सेल्फी फ़ोटो व्हाट्सअप करिएगा, और फीस पेमेंट करते ही आपको फ्री ऑप्शन ग्रुप में भी एनरोल कर दिया जाएगा, और आपकी जो वेबिनार्स है वो स्टार्ट होगी अक्टूबर की 1 तारीख से, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। बाकी डिटेल्ड वीडियो भी है इसमें, आप देख सकते हो वेबिनार से रिलेटेड। तो अगर आप सीख लो तो आपको ये समझ में आएगा, दिस इज़ नॉट द टाइम टू बाई, दिस इज द टाइम टू आइदर एग्जिट और आइदर स्टे साइलेंट, स्टे इन लिक्विड, कैश में बैठ जाओ, कैश लेके बैठ जाओ, अपना माल को बेच के कैश करवा लो और कैश लेके बैठो, मार्केट को अच्छा खासा ड्रास्टिक करेक्शन देने दो। मैं बोलूँगा 15,500 से लेके 14,500 जब अगर दिख जाए, जैसा मैं सोच रहा हूँ अगले महीने तक, हालांकि मेरे टारगेट्स मैंने इतने नीचे नहीं दिए, मैंने 16,000 दिए आप लोग को, 16,056, ठीक है, लेकिन मुझे लगता है 15,500 के भी फिगर देखने मिलेंगे अगले महीने तक। तब तक आप अपने कैश को होल्ड करो, और उसके बाद जैसे ही पितृपक्ष ख़त्म होता है नेक्स्ट मंथ, इस मंथ की बात नहीं करो, 25 तारीख को ख़त्म, उसके बाद आप एंट्री करो नवरात्रा से, आपका पैसा कितना गुना बढ़ेगा वो मुझे दिखाना। अभी की बात ऐसा है कि देखिए, हल्के में लोग ले रहे हैं चाइना ताइवान का, चाइना को लोग हल्के में ले रहे हैं, वैसे ही रशिया को भी लोग हल्के में ले रहे थे, लेकिन आज वो वार 150 दिन होने वाले हैं, फरवरी में चालू हुआ था, अभी तक चालू है, तो इकोनॉमी का बंटाधार हो जाता है, आपको पता है कितना खर्चा लगता है हर एक दिन वार में। तो चाइना को लोग हल्के में ले रहे हैं कि वो धमकी ही दे रहा है, लेकिन ये कहीं ना कहीं उसकी सुप्रीमेसी पे भी चोट है, और जब इंसान की सुप्रीमेसी पे घात लगता है तो वो कुछ ना कुछ एक्शन लेता है, और वो एक्शन का डे मुझे लगता है या तो कल होगा 4 तारीख, या मंडे को होगा 8 तारीख। ये मेरी भविष्यवाणी, मैं कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं हूँ। मैं क्यों 4 और 8 को चुनाऊँ, देखिए ये दो डेट्स होती है, एक 4 तारीख होती है राहु की डेट यानी कि कल, और एक 8 तारीख होती है शनि की डेट। आप देखिए जितने भी वर्ल्ड में मैक्सिमम केसेस जो हुए हैं डिस्ट्रक्शन के या वार के या डिस्ट्रक्शन के, वो शनि की डेट यानी कि टोटल उसका 8 होगा डेट का, या फिर 4 होगा, 4 राहु की डेट। तो मुझे लगता है बहुत जल्दी चाइना अटैक करेगा, शायद नैन्सी पेलोसी
जाने के बाद करे तो 8 तारीख को करेगा, है ना, या कल करेगा, और ये डेवास्टेटिंग रूप लेगा ये वार, ये मेरा मानना है। और 4-8 के बाद मैं कौन सी डेट चुन रहा हूँ, फिर 22 अगस्त, ठीक है, या 17 अगस्त, जिसमें 8, मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि कल ही हो जाएगा या 8, लेकिन मुझे लगता है बहुत नज़दीक, क्योंकि अभी लोहा गर्म है। देखिए लोहा लोहा भी मजबूत तब तक होता है जब तक वो ठंडा रहता है। आप एक रॉड जो ठंडा पड़ा है, मतलब गर्म नहीं है रॉड, तो उसकी मजबूती बहुत तगड़ी रहती है, ये मानते हो कि नहीं। लेकिन जैसे ही लोहा को गर्म कर दिया जाता है तो उसको आप कोई भी शेप दे सकते हो, उस समय लोहे की अकल पे पर्दा पड़ जाता है। जब गर्म लोहा रहता है तो उसको शेप दिया जा सकता है, लेकिन ठंडे लोहे को आप शेप नहीं दे सकते। ठंडा लोहा खुद अपने आप में समझदार होता है, वो एक स्ट्रेंथ के हिसाब से खड़ा रहता है, ठीक है। तो अभी लोहा गर्म है और इसको कोई भी शेप दिया जा सकता है, कोई भी स्पीच या कोई भी ट्वीट वार का कारण भी बन सकती है। अगर वीडियो पसंद आए तो खूब सारे लाइक्स दीजिएगा। आज मेरा दिल तो बोलता है 166 स्क्रीन पे दिखना चाहिए, चलिए 200 के आसपास भी दिख जाए तो आप लोग खुश हो जाना। वैसे मेरा टारगेट वही है, 16900 से 16800 के बीच में इस वीक में आ जाना चाहिए। अब दिन बचे सिर्फ आज, कल और परसों, लेट्स सी। और परसों RBI की पॉलिसी भी। तो जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद।